मैं अब सीधे रुक करना चाहूंगा मनीष शर्मा का। मनीष, अगर आप दर्शकों के लिए बता सकें कि जमानत को लेकर क्या प्रावधान है, 1 से 6 साल की सजा हो सकती है, जमानत किस सूरत में मिलेगी, किन सूरत में नहीं मिलेगी, जरा तफसील से बताएं। जी अविसार, अगर बात की जाए सलमान खान की सजा की, तो इस जो धाराएं सलमान पर लगी है उनमें 1 से लेकर 6 साल तक का प्रावधान है। 3 साल तक की सजा होने पर हाथों हाथ जमानत का प्रावधान है। और वैसे कानूनी मुद्दा है तो रवि पवार मेरे साथ है। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि सजा को लेकर प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम ये माने कि सलमान के लिए सजा या बाकी फिल्मी सितारों के लिए सजा सुनाई गई, तो क्या प्रावधान होंगे, जमानत कैसे होगी, कितनी अधिकतम सजा होगी? जमानत की जो प्रावधान है वो कोर्ट पर डिपेंड करता है कितना वो दंड लगा, इसमें सजा 7 साल की है। अगर वो करते हैं तो उसकी अपील तुरंत सेशन कोर्ट में होती है। अगर इस तरह का कोई रहता है तो जितने भी हम सब एडवोकेट्स हैं, हमने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है पहले से। अगर कुछ भी फैसला आता है, किसी भी तरह का फैसला आता है, रवि जी बहुत आम भाषा में जानना चाहूंगा, मान लीजिए सलमान को 4 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो क्या होगा, 3 साल तक की सजा मिलती है तो क्या होगा, वो सिलसिलेवार बताएं। वो जो 3 साल की सजा है तो भी इसको करनी पड़ेगी, और तो भी सेशन हाथों लगेगी। 3 साल से ज्यादा की है तो क्या होगा, तो भी सेशन में ही लगेगी, क्योंकि इसकी जो अपील का प्रावधान है वो सेशन कोर्ट में ही है। जी, और अधिकतम जो सजा की बात कही जा रही है वो नए संशोधन के बाद वो कितनी हो गई? वो 6 साल का हो गया। तो अभी सर, 6 साल की नए संशोधन के बाद सजा का प्रावधान है। अब ये जज के विवेक पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सजा का ऐलान वो इन फिल्मी सितारों के लिए करते हैं। उमेश, आपको क्या लगता है जितना अब तक का मामला था उसको देखते हुए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले मामले में सलमान छूट चुके हैं मनीष, और अगर इस मामले में जो भी फैसला आता है सलमान के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये आखिरी मामला है। अगर इस मामले में वो बरी हो जाते हैं तो उनको दोबारा जोधपुर देखना नहीं पड़ेगा, और लगभग सभी केस से अब तक के जितने भी सलमान के केस है उसमें वो लगभग बरी हो चुके हैं और यही आखिरी मामला है। तो सबका भी ध्यान इसलिए ही इस तरफ था कि पहले मामलों में जैसे मैंने कहा कि चश्मदीद नहीं थे, इस मामले में चश्मदीद है, लेकिन इसमें लूप होल भी कई सारे थे। जी अभी सर, जैसा उमेश और वकील साहब भी कह रहे हैं कि अब देखना ये होगा कितना सजा का ऐलान होता है, किस तरीके का रुख रहता है जज का। जी अभी सर, बने रहिए मनीष और उमेश कुमावत जो इस वक्त मौजूद हैं जोधपुर कोर्ट में, वहां जज साहब पहुंच चुके हैं, और 10:15 पर सलमान और तमाम सितारे भी अपने होटल से रवाना होने वाले हैं, और हर पल हर जगह की जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता हुआ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।